तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे BSNL के से जुड़ी हुई। यहाँ पर BSNL ने एक पोर्टल शुरू किया जिसको कि नाम दिया है बुक माई फाइबर। अब इसमें क्या है कि आप अपने गली मोहल्ले या फिर गांव में जहाँ पर अभी तक आपको इंटरनेट नहीं मिलता था वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे और अपना इंटरनेट चला पाएंगे। क्या कुछ रहता है, कैसे प्लान है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको ये मिलेगा, आज की वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में वीडियो कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी बिलोंग करते हैं किसी गांव से, गली से या मोहल्ले से और आपको वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जैसे कि आपका एयरटेल या फिर ब्रॉडबैंड होते हैं उनके जो वाईफाई वगैरह लगवा लेते हैं, ऐसे कनेक्शन नहीं है तो आप भी परेशान रहते होंगे। लेकिन इसी को चलते यहाँ पर BSNL लॉन्च किया एक पोर्टल जिसको भी नाम दिया है बुक माई फाइबर। अब इसमें क्या है कि उनका कहना है ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर वो इंटरनेट अवेलेबल कराएंगे फाइबर्स के थ्रू और यहाँ पर आप उसको कनेक्शन को ले सकते हैं। अब इसके जो प्लान है वो मुझे काफ़ी महंगे लगे हैं। जो सबसे मिनिमम प्लान है वो 499 रुपये का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें कि आपको 100 GB जो डाटा यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी कि स्पीड यहाँ पर 10 MBPS रहने वाली है। उसके बाद आपको जो डाटा खत्म हो जाएगा तो जो आपकी स्पीड है वो 2 MBPS की आ जाएगी। और सबसे महंगे प्लान की यहाँ पर बात करें तो वो है 16,999 लगभग 17,000 का जो प्लान है। इसमें क्या होगा कि आपको 170 GB का जो डाटा है वो दिया जाएगा, जिसमें कि स्पीड रहने वाली है 100 MBPS की। उसके बाद जो आपकी स्पीड है वो 10 MBPS की हो जाएगी घटकर। तो यार प्लान तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये वहाँ के लिए जहाँ पर लोगों के पास इंटरनेट अभी तक नहीं है और लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। अब ये आपको कैसे चेक करना है कि आपके पास ये सर्विस है नहीं, तो इसके लिए एक वेबसाइट है बुक माई फाइबर BSNL.co.in करके, ये वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पर अपने जो पिन कोड वगैरह, गाँव का, मोहल्ले का नाम, ये सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको चेक कर लेगा कि आपके यहाँ पर कनेक्शन अवेलेबल हो सकता है नहीं। ये चेक होने का जैसे ही आपको पता पड़ा कि आपके यहाँ कनेक्शन अवेलेबल है तो BSNL की तरफ से आपके नंबर पर कॉल आएगी और वहाँ से आपको प्लान वगैरह बता देंगे और जो कनेक्शन के बारे में डिटेल्स है वो आपको जानकारी मिल जाएगी और अपना जो कनेक्शन है वो यहाँ अपने गांव या मोहल्ले अपने घर पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर यार जो प्लान है वो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगे हैं। अब हम बात करें अपने जियो की या एयरटेल की, तो यहाँ पर हम 1.5 GB 2 GB डाटा जो काफ़ी पसंद करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन हर किसी के पास में है, तो सिर्फ केबल कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम से, आपका जो इंटरनेट है फ़ोन का वो यहाँ पर आपके सिस्टम पर चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं BSNL के प्लान्स के बारे में, आपको क्या मतलब क्या महंगे लगे या फिर आप इसको लेना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे खुद पर्सनली यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। मेरे यहाँ पर दोस्त है विकास, उसके यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ तो उसके प्लान यहाँ पर काफ़ी सस्ते हैं इस चीज़ को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप सिंपल चेक कर सकते हैं। आपको लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद वेबसाइट खुल जाएगी, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके वहाँ पर सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई आपको जरूर से मिल जाएगा। और यार चैनल पर नए तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।